नमस्कार दोस्तों, जो रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में जो फूड का जो जो भी आपका फूड आइटम्स के उसका कैटेगरी किस तरीके से ऐड करती है, उसका सब कैटेगरी कैसे ऐड करती है, उसका जो मेन्यू आइटम्स का कुछ किस तरीके से ऐड करते हैं, सब कुछ इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे दोस्तों। तो इसलिए देखिए, इधर देखो, आपको कैटेगरी बोल के एक बटन दिया हुआ है दोस्तों। देखिए ये जो कैटेगरी बोल के जो बटन दिया हुआ है आपको, तो इसमें आपने सबसे पहले क्लिक कर दीजिए। तो मेरा पुराना वीडियो भी आपने एक बार देख लेना, ताकि आपको किस तरीके से कंपनी क्रिएट करना सब कुछ उसमें दिखाई देती है। तो कैटेगरी में आपको कई सारे कैटेगरीज होती है, जैसे बर्गर एक कैटेगरी, पिज्ज़ा एक कैटेगरी, लंच एक कैटेगरी, या ब्रेकफास्ट एक कैटेगरी, यानी बिरयानी आइटम्स एक कैटेगरी। इस तरीके से कई सारे मेन कैटेगरीज होती है। वो मेन कैटेगरी में हर एक सब कैटेगरीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ठीक है जी। उसका कोई GST है तो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं डाल दीजिए। तो मैंने इसमें कुछ चीज़ से आपको दिखा देते हैं। देखो इधर GST है तो इधर भर दीजिए। अगर आपको GST समाधान प्लान में अपने बिजनेस चलाते हैं उसको कुछ सिरो ही रखिए। और इधर कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है, जो बटन्स, यानी जो बटन्स के कलर, कौन सा कलर चाहिए जो बटन का, तो इधर आपने कलर इधर सेलेक्ट कलर कर सकता है और ओके करिए। ये कहाँ आएगा ये जो कलर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कलर ऐड करेंगे ना, जो जहाँ सेल करने के लिए जो पैनल है वहाँ कलर दिखाई देगा, हर बटन में वो बटन बटन करके दिखाई देती है। इसको सीधा आपने सेव करिए दोस्तों। तो ये सक्सेसफुली सेव हो गया। सेव होने के बाद क्या होती है, ये जो राइट साइड में इधर आ जाती है, है ना, पिज़्ज़ा करके आ गया। तो हमने एक नया न्यू क्लिक करते, फिर आपको क्या बोलते हैं, बर्गर करके हमने ऐड कर दिया बर्गर, ठीक है जी। और उसको भी आपको चाहिए तो यहाँ कलर वगैरह जो भी है आपको सेलेक्ट कर सकता है। इधर देखो सेलेक्ट कर दिया मैंने कलर, मैंने कुछ और कलर डाल देते हैं, यहाँ येलो कलर, यस ओके, और सेव कर दिया। तो दो कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर दिया, मतलब क्रिएट कर दिया। और इसमें उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो टेबल क्रिएट करना है, यानी हमारा टेबल मैनेजमेंट सिस्टम भी है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब ये टेबल सेलेक्ट करेगा ना, तब भी आपको डाइनिंग वगैरह जो टेबल डिलीवरी वगैरह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए यहाँ एक फैसिलिटी दिया हुआ, जो देखो टेबल्स बोल के आपको दिखाई देती है। और टेबल्स में आपने एक बार क्लिक कर दीजिए, और टेबल्स में क्लिक करने के टाइम आपको T1, T2, T3 ऐसा करके टेबल का नंबर डाल देना है, T1, ठीक है। और AC में है या नॉन AC में है आपको इधर सेलेक्ट कर सकता है। फ्लोर कौन सा है, GF ग्राउंड फ्लोर, यानी समथिंग लाइक दैट। फिर यहाँ देखो ये जो बटन मिलती है ना, सेव बोल के जो बटन मिलती है, तो उसमें सीधा आपने सेव कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसा सेव करते हैं ना, जो टेबल यहाँ आ जाती है, देखो राइट साइड में आपको दिखाई देती है। और कुछ टेबल, नया टेबल आपने ऐड कर दीजिए, देखो T2, यानी T2 करके ऐड कर दीजिए। और इसको भी आपने जो ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया, उसको भी जो जितना भी टेबल आपने डालते जाएंगे इधर राइट साइड में आ जाती है। देखिए आपको समझ लीजिए कोई चेयर वगैरह सिस्टम से मैं मैनेज करना है तो चेयर भी ऐड कर सकता है। तो वो सारे फैसिलिटीज़ के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर दिया हुआ दोस्तों। ये आपने सीधा क्लोज़ करिए, जो बटन दिया हुआ जो क्लोज़ करने के लिए, जो क्लोज़ कर दीजिए उसको। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपना जो मेन्यू में जाना है, मेन्यू में अपना फूड का जो नेम वगैरह ऐड करती है जो, ठीक है। आपको देखो इधर मेन्यू में जाने के लिए आपको यहाँ देखो मेन्यू बोल के एक बटन्स दिया हुआ, देखिए मेन्यू, इसमें क्लिक करिए दोस्तों। इस तरीके से एक फॉर्म खुल के आती है। तो इसमें मैंने एक चीज़ बता दूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास बल्क में प्रोडक्ट ऐड करना है तो आपके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ जी, सबसे ऊपर देखो इम्पोर्ट एक्सेल बोल के जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो उसमें क्लिक करके जितना भी बहुत सारा आइटम्स है आपको एक्सेल का माध्यम से इम्पोर्ट कर सकता है। अगर वन बाई वन जो फूड का डालती है आपने डिटेल्स डालती है, तो मात्र ये जो लेफ्ट साइड में जो इन्फॉर्मेशन है आपने फिल करने से ऑटोमेटिकली वन बाई वन आपको मतलब फूड आइटम्स इसमें ऐड कर सकता है। तो मैंने कुछ आइटम्स इसमें ऐड करने के लिए ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको मैंने जो कैटेगरी में हमने पिज़्ज़ा वगैरह डाला था, उसमें हमने ऐसे लिखेंगे चिकन पिज़्ज़ा, CHI कैपिटल लेटर में डाल देते हैं, CHI CKEN PIZZA, ठीक है। और इसका भी कैटेगरी आपने जो देखो पिज़्ज़ा जो सेलेक्ट कर दिया, और किचन KOT सेलेक्ट कर दिया। अलग अलग किचन है तो अलग अलग KOT सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो रेट वगैरह डाल दिया आपने, 100 रुपीज़ डाल दिया, और नॉन AC में बैठेगा तो 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ डाल दिया,
और टेक अवे का रेट कितना है वो भी आपको 80 डाल दीजिए, यानी अलग अलग रेट। होम डिलीवरी के कितना है 120 रुपीज़ एग्जाम्पल, थोड़ा ज़्यादा रखिए। स्विगी जोमैटो में अगर सेल किया तो वो डाल दीजिए, स्विगी जोमैटो नहीं है तो आपको 0 डाल दीजिए। एक्सप्रेस मतलब क्यूक बिलिंग का जो क्यूक काउंटर का जो रेट किया है समझ लीजिए 90 रुपीज़ रखिए, है ना। ऊबर ईट्स जोमैटो स्विगी सब कुछ इसमें डाल सकता है। इसको भी एक ऑप्शन इधर दिया हुआ दोस्तों, जो कलर वगैरह ऐड करने के लिए जो ऑप्शन देखिए, जो बटन का कलर आपने इधर सेलेक्ट कर दीजिए, कोई भी एक कलर सेलेक्ट करो, ओके करिए और सेव करिए दोस्तों। सक्सेसफुली सेव होने के बाद इधर राइट साइड में आपको जो प्रोडक्ट इधर आ जाती है देखिए। तो और एक प्रोडक्ट मैं आपको डाल कर दिखा देता हूँ, और चिकन पिज़्ज़ा हमने डाल दिया, और एक पिज़्ज़ा है क्या, EGGPA है, ठीक है जी। और वो भी पिज़्ज़ा में ऑटोमेटिकली आया हुआ, प्राइस वगैरह आपको चेंज करना तो आपको चेंज कर सकता है, कलर वगैरह चेंज करना तो कलर चेंज कर सकता है, ओके कर सकता है, सेव कर सकता है। मैंने वही प्राइस रखा हुआ है, सक्सेसफुली सेव हो गया। और आपको वेज पिज़्ज़ा, ठीक है, और उसका भी कोई कलर इधर सेलेक्ट कर दीजिए और ये सेलेक्ट कर दीजिए, कोई भी प्राइस वगैरह चेंज करना है तो मैंने वही प्राइस में डाल दे रहा हूँ आपको, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी प्राइस आपको इधर से चेंज करना है तो चेंज कर सकता है, और उसको सेव करिए। इस तरीके से आपने सारे सेव कर सकते, जितना भी सेव होते जाती है आपको राइट साइड में इधर आती जाती है, यानी UCSTV में। अभी हमने कुछ और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, समझ लीजिए जो बर्गर, बर्गर एक कैटेगरी हमने डाला था, देखो ये जो बर्गर, बर्गर कैटेगरी में हमने कुछ प्रोडक्ट ऐड करते होंगे। एक बर्गर करके हमने डाल दिया, उसका कोई मतलब कलर वगैरह डाल दिया, ओके कर दिया, ठीक है। और प्राइस वगैरह आपको चेंज करना तो पिज़्ज़ा में चला गया, सॉरी वन सेकेंड, न्यू क्लिक करिए, और EGG एक बर्गर, और इसमें बर्गर सेलेक्ट करिए और KOT सेलेक्ट करिए और रेट डाल दीजिए, समझ लीजिए 100 रुपीज़, और इसका AC का रेट 120 रुपीज़, नॉन AC का रुपीज़, सॉरी नॉन AC में बैठेगा तो 90 रुपीज़, टेक अवे का रेट समझ लीजिए 80 रुपीज़, होम डिलीवरी का रेट समझ लीजिए आपको 90 रुपीज़, समझ यानी एनी रेट आपको, स्विगी जोमैटो अगर है तो डालिए, नहीं तो यानी 0 रखिए, ऊबर ईट्स को भी 0 रखो, यानी ठीक है। और एक्सप्रेस काउंटर के लिए आपको 100 रुपीज़ रखो, जो रेट आपको रखना है। और यहाँ आपको जो कलर वगैरह डालना है डाल दीजिए, ओके करिए और सेव करिए दोस्तों। तो बर्गर भी इसमें ऐड हो चुका है, और एक बर्गर हमने ऐड करेंगे, जो एक बर्गर डाल दिया, वेज बर्गर है क्या, वेज बर्गर करके हमने डाल दिया, प्राइस वगैरह सही में रखा हुआ है मैंने, कलर चाहिए तो आपको चेंज कर दीजिए, ओके करिए और सेव करिए, है ना। जितनी भी आइटम्स आपने ऐड करके जाती हैं तो यहाँ दिखाई देती है दोस्तों। और कोई प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह चेंज करना तो इधर से इसको क्लिक कर सकता है, और जो भी चेंज करके इधर अपडेट बोल के जो बटन दिया हुआ है देखो, अपडेट, यानी कभी भी आपको कोई भी फूड आइटम्स का प्राइस वगैरह चेंज करना तो वहाँ से आपको कर सकता है। और मैंने जैसे पहले बताया हुआ है, जो आपको ये जो है ना अपना मतलब इम्पोर्ट, मतलब बल्क इम्पोर्ट करना है एक्सेल का माध्यम से, तो ये जो टेम्पलेट आपको एक्सपोर्ट कर सकता है, ये जो टेम्पलेट ऊपर आपको एक बटन दिखाई देती है जो एक्सपोर्ट का, देखो ये जो टेम्पलेट आपको एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकता है, फिर सारे सब कुछ फिल करके आपको फिर इस ये जो बटन में इम्पोर्ट कर सकता है, सारे फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जितना भी मेन्यू आइटम्स इसमें ऐड कर सकता है। तो ये जो मेन्यू आइटम्स ऐड करने के बाद क्या होगा, बस इतना ही इसका सेटिंग्स करना है। तो इतना सेटिंग करने के बाद आपको सीधा फ्रंट ऑफिस में जा सकता है, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिखा देता हूँ कौन कौन सा मतलब जो प्रोडक्ट ऐड किया हुआ ना, अभी दिखाई देता हूँ। देखिए मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, अभी दोबारा हमने जो रेंडक रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर को यस कर दिया और 1 2 3 4 करके जो पासवर्ड है इसका, और इसके कैशियर कंट्रोल में जाइए आपने, इधर वर्क पीरियड स्टार्ट करिए आपने, स्टार्ट वर्क पीरियड, ओके, और लॉगिन करिए आपने। देखिए इसमें देखो ये जो फास्ट बिलिंग में जाइए, जितना भी आपने प्रोडक्ट ऐड किया ना, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, देखो इसमें मैंने क्लियरली समझा देता हूँ, जितना भी आपने प्रोडक्ट ऐड किया मेनू, मेन मेनू में यहाँ आया हुआ, नीचे नीचे आ जाएंगे, जितना भी मेनूस है ना ये नीचे नीचे चला जाएंगे, देखिए इस तरीके से,
यानी जो भी नया नया मेन्यू ऐड करेंगे, कैटेगरी यानी कैटेगरी ऐड करेंगे, इस तरीके से इधर नीचे नीचे चल जाती है, यानी वो कितना भी आपको वो स्क्रोलिंग सिस्टम में आ जाएंगे। समझ लीजिए आपने ये जो पिज़्ज़ा में क्लिक किया, समझ लीजिए आपने ये जो पिज़्ज़ा में क्लिक किया हुआ है, पिज़्ज़ा में कितना कितना है वो आपको इधर दिखाई देती है, देखिए तो ब्यूटीफुल यानी है, ठीक है। और समझ लीजिए आपने बर्गर में क्लिक किया, बर्गर में क्या क्या है आपको देखो इस तरीके से दिखाई देती है, यानी कौन कौन सा बर्गर आइटम्स है, तो उसमें आपने क्लिक करी तो इधर राइट साइड में आ जाती है, देखिए देखा ना जी दोस्तों, और जितना भी आइटम्स आप ऐड करेंगे इसका नीचे नीचे आ जाएंगे। और इसमें दूसरा आइटम्स टच कर देते हैं मैंने, देखिए, और पिज़्ज़ा में कुछ आइटम्स टच करते हैं, देखा ना जी दोस्तों, जैसे आपने देखो सेव एंड प्रिंट बोल के उधर एक बटन दिया हुआ, देखिए इसमें इसमें अगर आपने क्लिक करती है तो सीधा, यानी ये जो है काउंटर बिलिंग है, यानी जैसा टेक अवे जैसा हो गया, टेक अवे नहीं है, जैसे काउंटर बिलिंग में काउंटर बिलिंग करते हैं ना जी, और उस तरीके से है, देखिए इधर ये जो है, तो इधर हमने सेव एंड प्रिंट बटन जो है ना उसमें क्लिक करते हैं, ये जो बटन इधर दिया हुआ है और उसमें क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करने के टाइम क्या होता है आप देखिएगा, प्रिंट करिए, देखिए क्या क्या प्रिंट होते हैं देखेंगे, देखो इधर दो प्रिंट आ चुका है दोस्तों, ये जो है आपको एक किचन का प्रिंट आया हुआ है, कौन कौन सा आइटम्स ऑर्डर किया वो कस्टमर को जाके किचन में दिखाई देती है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो फाइनल बिल कितना रुपया उनसे लेना है, इट्स क्लियर फोकसिंग, ठीक है। ये जो मतलब हमने इसलिए करके दो बिल इसमें से निकला हुआ है, यानी क्योंकि हमने KOT का भी और काउंटर का भी दोनों प्रिंटर इसी में सेट किया था, इसके वजह से वहाँ से प्रिंट आया हुआ दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है वो मैंने आपको दिखा देता हूँ।